ओम नमः शिवाय। प्रभु जी आप सभी को शिवायाता दर्शन की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति 2024 में कब है, क्यों मनाई जाती है, इसका महात्म क्या है तथा देश के विभिन्न हिस्सों में किस नाम से मनाया जाता है, आइए जानते हैं। इसमें इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 7:15 से साई के 6:21 तक है। मकर संक्रांति का महापुण्यकाल प्रातः 7:15 से प्रातः 9:06 तक है। प्रभु जी इसे क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। सूर्यदेव का किसी भी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। इस दिन सूर्य भगवान प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अतः इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है तथा स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। प्रभु जी भीष्म पितामह ने भी अपने शरीर को इसी दिन में त्यागा था। इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जिन्हें देवताओं का दिन भी कहा जाता है। देवी पुराण के अनुसार मकर संक्रांति में जो भी सूर्य देव की पूजा करते हैं उसे शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। इस त्यौहार का वैज्ञानिक कारण भी है। सूर्य की सीधी रोशनी उत्तरायण होने की वजह से जब शरीर में पड़ता है तो छोटे छोटे बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं एवं किसान भी नए फसल की प्राप्ति पर इस त्यौहार को बड़ी ही खुशियों के साथ मनाते हैं। इसे पिता व पुत्र का मिलन भी कहा जाता है, यानी कि पिता सूर्य पुत्र यानी कि शनि राशि में प्रवेश करते हैं, अतः इसे पिता व पुत्र का मिलन त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन लोग गंगा में स्नान करके सूर्य जी को अर्घ देते हैं। आइए जानते हैं इस त्यौहार को पूरे देश में किस किस नाम से एवं किस किस प्रकार से मनाया जाता है। पंजाब में मकर संक्रांति को माघी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भांगड़ा और गिद्धा किया जाता है तथा लोग खिचड़ी गुड़ और खीर खाते हैं। प्रभु जी तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं। यह 4 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है वहां पे। पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल एवं चौथा दिन कन्या पोंगल कहते हैं। इस दिन चावल के पकवान तथा रंगोली बनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करके तिल का दान करते हैं। इसी दिन यशोदा मैया जी ने कृष्ण जी के प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। इसी दिन गंगा जी भागीरथी जी के पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा जी में जाकर मिली थी। भागीरथी जी इसी दिन अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। गंगा सागर में प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध गंगा सागर का मेला लगता है। प्रभु जी केरल में मकर संक्रांति का त्यौहार मकर विलक्कू कहते हैं। सबरीमाला मंदिर के पास जब ज्योति दिखाई देता है तो लोग इसके दर्शन करते हैं। कर्नाटक में मकर संक्रांति को एल विरोधी के नाम से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति 3 दिवसीय त्यौहार मनाए जाते हैं। लोग इसमें पुरानी चीजों को फेंक कर नई चीजें घर में लाते हैं तथा किसान अपने खेत गाय व बैलों की पूजा करते हैं। प्रभु जी गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। यह 2 दिनों तक चलने वाला त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहां का पतंग उत्सव देखने को ही बनता है। प्रभु जी इसमें उंधियों और चिक्की प्रमुख व्यंजन बनाए जाते हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति यहां सुहागिन महिलाएं अपनी सास को वेना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। इस दिन दान देने का विशेष महत्व है। इनमें उड़द की दाल, सरसों का तेल, तिल व गुड़ तथा कंबल इत्यादि का दान दिया जाता है। प्रभु जी स्नान यूं तो गंगा या
आप प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व है, यहां पर प्रसिद्ध माघ मेला का आयोजन भी होता है। प्रभु जी आप सभी भी मकर संक्रांति पर जाइए और अपने अपने क्षेत्र विशेष में जरूर नदी में स्नान कीजिए, यदि संभव हो तो गंगा या संगम में स्नान कीजिएगा। प्रभु जी आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा आप फेसबुक व इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए। प्रभु जी मिलते हैं शीघ्र अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।